नमस्कार, काजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी पांच खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से लेकर शाम तक लोगों द्वारा तिरंगा की खरीद का सिलसिला चलता रहा। जिलाधिकारी के आदेश पर जिले के सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों के साथ ही महापुरुषों की प्रतिमा स्थल को रंग बिरंगे बिजली के झालरों से सजाया गया था, जिनकी झिलमिल रोशनी स्वतंत्रता दिवस की खुशियां बयां कर रही थी। बहुप्रतीक्षित 19 किलोमीटर लंबी ताड़ीघाट दिलदार नगर ब्रांच लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा होने के बाद इस रूट का शुक्रवार को मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त CRS AM चौधरी व दानापुर मंडल के DRM सुनील कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में CRS काफी हद तक संतुष्ट दिखे। वो इस ब्रांच लाइन के निरीक्षण के लिए सैलून से अपने मातहतों संग विभिन्न क्रॉसिंगों, वायरलेस, चौराहा, सरहुला, नगसर, सोनवल होते हुए ताड़ीघाट स्टेशन पर 11:38 पर पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने ताड़ीघाट मऊ रेलखंड परियोजना के बारे में RVNL के अधिकारियों से नक्शे के जरिए जानकारी मांगी, जिस पर उन्हें विस्तार से इसकी जानकारी भी दी गई। निरीक्षण के अपने 77 मिनट के प्रवास के दौरान उन्होंने स्टेशन अधीक्षक सुजीत कुमार से तमाम तरह की जानकारी ली। गाजीपुर के जमानिया कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को वाहन पर लदे 8 मवेशियों को बरामद किया है। मालूम हो कि कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान देवड़ी गांव के पास एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका। वाहन रुकते ही उसमें सवार एक व्यक्ति फरार हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 8 मवेशी लदे मिले। पुलिस ने तस्कर सहित मवेशियों को कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आया अभियुक्त मवेशियों को बिहार ले जा रहा था। ये काफी समय से पशु तस्करी के काम में लिप्त हैं। फरार इसके दूसरे साथी की तलाश भी शुरू कर दी गई है, वो भी जल्द फंदे में होगा। बताया कि अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक संतोष कुमार, कांस्टेबल शशि कुमार, कांस्टेबल विनोद सोनकर, कांस्टेबल बलवंत सिंह और कांस्टेबल रत्नेश कुमार शामिल थे। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 9 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर शुक्रवार को गाजीपुर के विकास भवन में दिन में 12 से 1 बजे तक अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विगत वर्षों से लगातार कर्मचारियों की मूल समस्याओं को लेकर आंदोलन करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करती चली आ रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है। 9 सूत्री मांगों का पत्रक PM मोदी, मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट सचिव भारत सरकार को ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है। कार्यक्रम में DS राय, SP गिरी, ओंकारनाथ पांडे, बालेंद्र त्रिपाठी, बुद्धिलाल, हिमालय गिरी, राजेश चौहान, योगेश जायसवाल, अनिल, रमेश, मनोज, ब्रिजेश, विनय, अनिल गोस्वामी, अजमत, नीरज, बबलू कुमार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। गाजीपुर के जमनिया कोतवाली परिसर में कोतवाल राजीव कुमार सिंह की देखरेख में शुक्रवार को मेडिकल मोबाइल वैन ने पुलिस विभाग एवं फरियादियों सहित अन्य लोगों का स्वैब जांच किया। कोतवाल श्री सिंह के आदेश पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने अपना स्वैब जांच कराया। मेडिकल मोबाइल वैन में SSI मंशाराम गुप्ता, संतोष कुमार सहित अन्य 37 लोगों ने जांच कराई। जांच में सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस अवसर पर SSI मंशाराम गुप्ता, उप निरीक्षक संतोष कुमार, मंजर अब्बास, देवरिया चौकी प्रभारी राजीव कुमार आदि लोग मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि गाजीपुर में शुक्रवार के दिन 97 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। दिन पर दिन कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि आप अपना ख्याल रखें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। और गाजीपुर की हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।